देखो, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डन बाय जाइलम, और जाइलम में भी कौन थे दो मेन? ट्राइकेट्स एंड वेसल्स, ट्राइकेट्स एंड वेसल्स यूनिडायरेक्शनल होती है, नीचे से ऊपर, ठीक है। दो मेन प्रोसेस है यहाँ पे, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, तो एक एक करके देखना है। पहले रूट प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। रूट प्रेशर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन पुल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो रूट प्रेशर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्यू सेंटीमीटर तक, ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस, टॉल ट्रीज प्लांट्स, है ना, 100 मीटर से भी बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनमें तो ट्रांसपोर्टेशन पुल के थ्रू ही होती है। अगर आपसे पूछेगा मेजर ड्राइविंग फोर्स कौन सी है इनमें से, ट्रांसपोर्टेशन पुल ये मेजर है, ये मेन है, ठीक है। रूट प्रेशर शॉर्ट डिस्टेंस ये आपके हर्ब्स में होती है, इसके लिए स्पेशली हर्ब्स, जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, है ना, बस छोटे छोटे होते हैं ये, तो जमीन के साथ ही रहते हैं, तो अकेला रूट प्रेशर काफ़ी है पानी को धकेलने के लिए। ये पानी को पुश करता है, ये पुल करता है, नाम में ही पुल है, ट्रांसपिरेशन पुल, है ना। तो देखते हैं रूट प्रेशर, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ तक मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर रूट प्रेशर कब होता है? ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। रूट प्रेशर जनरली आपका नाइट और अर्ली मॉर्निंग में ही होता है, जब ट्रांसपिरेशन रेट एब्सेंट या फिर लो, जब ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है या फिर नहीं होता है, जैसे रात के समय, और अर्ली मॉर्निंग जब सूरज आया नहीं अभी तक, है ना। तो इसी टाइम को हम क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट क्या होता है? लो या फिर एब्सेंट, ठीक है, क्लियर। एनसीईआरटी में नाइट लिखा हुआ है, अर्ली मॉर्निंग भी आपको लिखना है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे सुबह सुबह, क्लियर। अभी काम कैसे करता है देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन। मिनरल का एब्जॉर्प्शन दो तरीके से होता है, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। जनरली सॉइल में मिनरल्स कम होते हैं कि ज्यादा? सॉइल में जनरल, जनरली सॉइल में मिनरल्स कम पाए जाते हैं कि ज्यादा? कम होते हैं ना, तो सॉइल में मिनरल्स जनरली क्या होते हैं? लो होते हैं, तो रूट में आपको क्या मिलेगा? हाई। अब बताओ, लो से हाई जाएगा तो एनर्जी तो खर्च होगी, इसीलिए एक्टिव प्रोसेस एटीपी लगेगी। एक्टिव का मतलब एटीपी खर्च होगी, पैसिव मतलब फ्री में, पैसिव मतलब फ्री, नो एटीपी, कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। हाई से लो, पैसिव कब होती है? हाई से लो, और एक्टिव कब होती है? लो से हाई, लो से हाई। आया समझ में? तो जब सॉइल में मिनरल्स कम होंगे तो रूट के सेल एटीपी खर्च करेंगे और सॉइल में से मिनरल को उठा लेंगे एनर्जी खर्च करके। एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, आगे समझ में? तो मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्टिवली प्रोसेस है जब, तब सॉइल में मिनरल्स कम होंगे, पैसिवली जब सॉइल में मिनरल्स हाई होंगे तो हाई से लो अपने आप चले जाएंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस, क्लियर। आगे समझ में? एक्टिव पैसिव मिनरल आयोन्स एब्जॉर्प्शन दोनों तरीके से होते हैं। एक्टिव प्रोसेस तब होती है जब सॉइल में मिनरल्स कम हो, पैसिव तब होगी जब सॉइल में मिनरल्स ज़्यादा हो। एक्टिव मतलब
एनर्जी खर्च होगी, एटीपी। पैसिव मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड। चलें आगे, क्लियर। वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन तो पता ही आपको, ऑस्मोसिस, डन बाय ऑस्मोसिस। पैसिव प्रोसेस है ये तो, बिना एनर्जी के होती है, हाई से लो। सॉइल में हाई है, रूट में लो है ना। तो सॉइल में हाई, रूट में लो, ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस। क्लियर, पढ़ा हुआ है 9th में। अब देखो क्या होगा, रूट प्रेशर कैसे काम में आएगी। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं ये, मिनरल एब्जॉर्प्शन एक्टिव पैसिव दोनों तरीके से, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के थ्रू, जो कि पैसिव प्रोसेस। चलें आगे, यहां तक तो क्लियर है, जहां भी समझ में नहीं आए पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं तो इसीलिए। अब ये रब कर रहा हूं मैं डायग्राम के लिए। अब सपोज ये आपका प्लांट है, ये सॉइल है, ये रूट है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, मिनरल आयन एब्जॉर्प्शन करा लिया, वाटर एब्जॉर्प्शन करा लिया, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू। अब वाटर, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है रूट का। अब पानी इस सेल में चले गया, ठीक है, रूट के। अब इस सेल में क्या हो जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का। इस सेल में क्या है, लो। तो हायर से ऐसे करते करते, हायर से लो, हाई से लो, हाई से लो, एक से सेल दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, हाई से लो करता करता कहाँ पहुंच जाएगा, रूट के जाइलम में। कहाँ पहुंच जाएगा, तो देखा रूट का जाइलम रूट के अंदर होता है, ये नहीं कि बाहर होता है, टिप पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर मिलेगा, दरवाजे पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ऑस्मोसिस की मदद से पानी आपका एक सेल से दूसरे सेल, हाई से लो करता करता रूट जाइलम तक पहुंच जाएगा, ट्रैकेट और वेसल के पास। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बताया, रूट प्रेशर कब होता है, जब ट्रांसपिरेशन या तो नहीं हो रही है या फिर बहुत ही कम हो रही है। तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है ना, तो पानी नहीं जा रहा है उड़ के, ये रात का टाइम है मान के चलो, ठीक है। अब पानी तो उड़ नहीं रहा है, पानी तो बाहर नहीं जा रहा वाटर वेपर के फॉर्म में, लेकिन पानी क्या कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब हो रहा है, हो रहा है ना, इसको कौन रोकेगा, ये तो कंटिन्यूसली ले रहा है। पानी यहाँ से कंटिन्यूसली जा रहा है, लेकिन पानी यहाँ से कंटिन्यूसली बाहर नहीं आ रहा है, तो बताओ फिर पानी का प्रेशर कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, रूट में। कहाँ बनेगा, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। आ गया ना समझ में, वाटर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, वाटर कंटिन्यूसली इवोपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो लो है या फिर एब्सेंट है, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन तो कंटिन्यूसली हो रहा है ना, ऑस्मोसिस तो कंटिन्यूसली चल रहा है, क्योंकि सॉइल में पानी हाई है, रूट में पानी कम है, ऑस्मोसिस तो कंटिन्यूसली हो रहा है, क्लियर। तो पानी आ नहीं रहा है, पानी जा रहा है कंटिन्यूसली, तो रूट के जाइलम में वाटर का प्रेशर डेवलप होगा, और इसी को बोलते हैं रूट प्रेशर। तो द प्रेशर विच इज डेवलप बाय द वाटर इन द रूट जाइलम इज कॉल्ड रूट प्रेशर। आ गया समझ में। अब ये प्रेशर इतना काफी होता है कि ये प्लांट में पानी को यहां तक पहुंचा देगा, धक्का मार देगा, पुश कर देगा। इसमें इतना प्रेशर होता है कि ये पानी को थोड़ा सा धकेल सकता है, मैंने कहा थोड़ा सा, फ्यू सेंटीमीटर हाइट तक। तभी तो हर्ब्स में रूट प्रेशर अकेला काफी है पानी को धकेलने के लिए, आगे समझ। लेकिन बड़े पेड़ में नहीं धकेल सकता ये इतना, तो बड़े पेड़ों में तो क्या चाहिए, ट्रांसपिरेशन फुल वो चाहिए। ये आया समझ में। आपने देखा होगा कई बार ग्रास के लीव्स पे पानी की बूंदे, देखिए देखिए ना, ग्रास पे पानी की बूंदे, वो रूट प्रेशर ही तो है। अगर कोई 4 बजे 5 बजे उठता है और वो ग्रास पे देखेगा, गर्मी में भी, सर्दी की बात नहीं कर रहा मैं,
सर्दी में भी होता है, गर्मी में भी होता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, मैंने क्या बताया, ये पानी, ये प्रेशर इतना काफ़ी है कि ये पानी को ऊपर धकेल देगा, तो पानी प्रेशर से ऊपर आएगा और लीव्स के मार्जिन्स पे क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं ग्रास पे, हर्ब्स वाले पे, ग्रास पे, बड़े बड़े पेड़ के मत देखना, उन पे नहीं मिलेंगे आपको पानी के बूंदे, छोटे छोटे जो ग्रास होते हैं, तभी तो मैंने कहा ग्रास को देखोगे अगर आप सुबह सुबह 4-5 बजे या रात में, तब आपको पानी की बूंदें नजर आएंगी, ठीक है, यहाँ पे इन होल से निकलता हुआ पानी आएगा, क्योंकि रूट प्रेशर ने पानी को धकेल दिया और पानी इन रूट सॉरी इस होल से बाहर आ रहा है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, गटेशन, क्या बोलते हैं, गटेशन, तो वो गटेशन प्रोसेस है और वो रूट प्रेशर की मदद से हो रही है। गटेशन और ट्रांसपिरेशन एक ही चीज़ है, बस फर्क इतना ही है कि ट्रांसपिरेशन में पानी किस फॉर्म में बाहर आता है, वेपर्स के फॉर्म में, और इसमें किस फॉर्म में आ रहा है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में, बस इतना सा ही फर्क है। तो यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नजर आएगा, वाटर ड्रॉप्स, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन में वेपर्स के फॉर्म में, और ये जो होल्स है इनको हाइड्राथोट्स कहते हैं, ये आएगा नहीं वैसे एग्जाम में, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए कि गटेशन क्या होता है, ये रूट प्रेशर के वजह से हो रहा है, इसलिए ये मैंने बताया आपको, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको, है ना, रूट प्रेशर का सिग्निफिकेंस मैंने बताया, जो हम अर्ली मॉर्निंग या रात में देखते हैं ग्रास के ऊपर जो पानी है, तो अब आपको पता चला कि वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, रूट प्रेशर की वजह से हो रहा है, और उस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं, आ गया समझ में, ये सिर्फ ग्रास में देखने को मिलेगा, धनिया, कोरिएंडर, मिंट, पुदीना, है ना, जो हर्ब्स होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, क्लियर है, रूट प्रेशर आ गया समझ में, है ना, तो रूट प्रेशर पॉजिटिव फोर्स है, पानी को पुश करता है, धकेलता है, रात में होता है और अर्ली मॉर्निंग होती है जब ट्रांसपिरेशन या तो एब्सेंट हो या फिर लो हो, ये कंडीशन जरूरी है। चलें आगे, रूट प्रेशर कंप्लीट आ गया ना समझ में, वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन हमने देखा, एक्टिव पैसिव, वाटर ऑस्मोसिस पैसिव, फिर हमने देखा रूट जाइलम में रूट प्रेशर डेवलप होगा, कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन इवॉपरेट नहीं हो रहा है, दैट इज ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है, और ये प्रेशर इतना काफ़ी है कि ये पानी को कुछ सेंटीमीटर तक धकेल दे, और फिर अगर जो हर्ब्स हैं जैसे ग्रास है उसमें आपको लीव्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आएंगी, उस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन, द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड गटेशन, वाटर वेपर के बदले बस वाटर ड्रॉपलेट लिखना है, तो ट्रांसपिरेशन से क्या बन जाएगा, गटेशन, क्लियर है, और याद रखना रूट प्रेशर अकेला काफी है, कौन से प्लांट्स के लिए, हर्ब्स के लिए, है ना, याद है ना प्लांट की 3 कैटेगरी, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, तो हर्ब्स में अकेला रूट प्रेशर काफी है, लेकिन हमें तो ट्री को भी पानी पहुंचाना है ना, नारियल का पेड़ हो या आम का पेड़ हो, जामुन का हो, बरगद का हो, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 100 मीटर से भी ऊपर होते हैं, उनमें पानी कैसे पहुंचता है, तो अब आ जाते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, मेजर ड्राइविंग फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल, तो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, सबसे पहली कंडीशन जो ट्रांसपिरेशन पुल के लिए चाहिए, सोच के बताओ क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके बिना होगा ही नहीं, ट्रांसपिरेशन पुल उसके बिना नहीं हो सकता, वो क्या चीज है जिसके बिना ट्रांसपिरेशन होगी ही नहीं, ट्रांसपिरेशन पुल, किसने कहा अभी, अभी किसी ने आंसर बोला, वाटर, अरे पानी नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगी, और वो भी सफिशियंट वाटर, पानी कितना होना चाहिए, सफिशियंट, एडुकेट, या एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है इसको, है ना, क्लियर आया समझ में, एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर जरूरी है, अब आप खुद ही सोचो अगर प्लांट में पानी ही नहीं है तो वो स्टोमेटा को बंद कर देगा, क्योंकि पानी को लॉस थोड़ी करने देगा, जो पानी ही नहीं है तो पानी क्यों खोने देगा, तो सबसे पहले स्टोमेटा बंद करेगा क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन है, स्टोमेटा बंद, नो ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन पुल कैसे होगी, नहीं होगी, तो सफिशियंट वाटर की सप्लाई जरूरी है, तो नोट कर सकते हो ट्रांसपिरेशन
ट्रांसपिरेशन पूल के लिए सबसे पहली कंडीशन है और फोरमोस्ट कंडीशन है क्या? सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर इन द प्लांट, सफिशियंट वाटर होना चाहिए प्लांट में, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर होना जरूरी है, तो सफिशियंट वाटर शुड बी प्रेजेंट इन द प्लांट, क्लियर? और डे टाइम में ही होगी जब सूरज बाहर होगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये होती कैसे देखो, तो इसके लिए भी डायग्राम बना रहा हूं मैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल मतलब ट्रांसपिरेशन ही कुछ कर रही है यहाँ पे, खींच रही है, तो कैसे करती है देखो यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है? स्टोमेटा खुला है, दिन का समय, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, पानी उड़ रहा है स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ रहा है, क्लियर? अब पहला फिगर आपने इस लेसन में कौन सा था याद है? क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। अगर उस डायग्राम को आप देखोगे तो उसमें क्या प्रेजेंट है? एयर स्पेस है ना, एयर स्पेस प्रेजेंट है, पहला ही डायग्राम एयर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है? और यहाँ पर आपको मिलेगा रूट, ये सॉरी लीफ जाइलम, लीफ फ्लोएम, लीफ में भी जाइलम फ्लोएम है। क्या किसी ने लीफ में जाइलम फ्लोएम देखे? हाँ देखे, वो जो लाइंस नजर आती है पत्तों पे, वो जाइलम फ्लोएम ही तो है। पत्तों पे जो लाइंस दिखाई देती है ना, वो जाइलम फ्लोएम ही है, उनको वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स, तो वो जाइलम फ्लोएम ही है, तो सबने तो देखी है ना, क्लियर? तो ये लीफ का जाइलम है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम है ये जाइलम मान के चलेंगे क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। अब क्या होगा, एयर जाइलम से एयर स्पेस में पानी जाएगा और एयर स्पेस से पानी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आ जाएगा। आया समझ में? जाइलम से पानी एयर स्पेस में जाएगा, एयर स्पेस से पानी स्टोमेटा के थ्रू बाहर आएगा, मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है, नहीं पानी चाहे एक्स्ट्रा हो चाहे कम हो बाहर ही आएगा, मतलब प्लांट में ट्रांसपिरेशन में जो पानी यूज होता है ना, वो लेस देन 1% यूज होता है, सारा पानी वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस कर देता है क्योंकि उसको जरूरत ही बहुत कम होती है, तो बाकी पानी को क्या कर देता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस कर देता है। आया समझ में? क्लियर? क्योंकि लेस देन 1% रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में पानी की, इसीलिए तभी तो ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलते हैं? नेसेसरी इविल, नेसेसरी इविल मतलब जरूरी भी है और एक वेस्टफुल प्रोसेस भी है, क्योंकि पानी इससे कितना लॉस होता है देखो, लेकिन जरूरी भी है, नेसेसरी भी है, फोटोसिंथेसिस बिना इसके नहीं हो सकती, और इविल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पानी बाहर जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, इसीलिए, ठीक है? तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है। अब देखो क्या होगा, तो जब पानी बाहर जाएगा तो पीछे एक वैक्यूम बन जाएगा, पीछे एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगी, पीछे एक लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा यहाँ पे। कौन सा प्रेशर? पानी यहाँ से यहाँ गया तो पीछे पानी का लो प्रेशर बन जाएगा, पीछे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा जब पानी यहाँ से यहाँ जाके बाहर आ जाएगा, दैट इज ट्रांसपिरेशन। तो पीछे क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर, एक वैक्यूम बन जाएगा वहाँ पे, एक सक्शन, ठीक है ना, फोर्स वहाँ पे लगेगी। अब ये सक्शन फोर्स क्या करेगी? पीछे से पानी को ऊपर खींच लेगी, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, और पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, किसके थ्रू हो रहा है, कौन लगा रहा है ये प्रेशर? सक्शन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, क्योंकि जब ट्रांसपिरेशन हो रहा था तो पीछे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो पानी आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर खींचा चला जाएगा, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं? पुल, है ना, क्योंकि एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो ये तो आप करते ही हो, जूस पीते हो स्ट्रॉ से, है ना, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो ये जूस है, ये स्ट्रॉ है, तो सबसे पहले क्या करते हो? स्ट्रॉ में एयर को सक करते हो, तो पहले तो हवा ही पीते हो, है ना। अब इसके अंदर जो हवा थी वो तो आपने खींच ली, तो अंदर क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर, क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर, देखो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है स्ट्रॉ में, और जूस में क्या क्रिएट हो गया? तो जूस कहाँ से कहाँ जाएगा? बस वैसे ही तो काम कर रही है,
यहाँ पर हमारे थ्रू लो प्रेशर बन रहा था, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन के थ्रू लो प्रेशर बन रहे हैं। बस इतना से तो फर्क है। यहाँ पर हम खींच के लो प्रेशर बना रहे थे, है ना, एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहे थे, है ना, एक सक्शन फोर्स, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। आगे समझ में? तो बिल्कुल सिमिलर है ना, ड्रिंकिंग अ जूस फ्रॉम अ स्ट्रॉ इज सिमिलर आपका ट्रांसपिरेशन पुल। क्लियर? तो यहाँ पे सक्शन कौन क्रिएट कर रहा है? ट्रांसपिरेशन। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो सीधा रूट के जाइलम से पानी सीधा ऊपर की तरफ खींचा जाएगा जहां पे लो प्रेशर एरिया बना। आपने पाइप में लो प्रेशर एरिया बना दिया, जूस में हाई प्रेशर हो गया ऑटोमेटिकली। जब आपने यहाँ पे लो कर दिया तो जूस अपने आप भागा जाएगा स्ट्रॉ के अंदर जहां पे लो प्रेशर है, जूस आपके मुंह में आ जाएगा। क्लियर है? आया समझ में? तो जब ट्रांसपिरेशन होगा तो लीफ में क्या बन जाएगा? लो प्रेशर, एक सक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगी, एक खींचने वाला बल लग जाएगा वहां पे, और वो रूट के जाइलम से पानी को ऊपर खींच लेगा। अब लीफ तो प्लांट में सब जगह पे ऊपर भी है नीचे भी है ना, तो जो सबसे ऊपर वाला लीफ है वो भी ट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो देखो वो पानी को नीचे से ऊपर खींच रहा है और पानी अपना ग्रेट हाइट तक चले जाता है, 100 100 मीटर तक ऊपर भी चले जाता है। तो अगर ये ट्रांसपिरेशन नहीं होती तो ट्रांसपिरेशन पुल भी नहीं होता, इतने बड़े बड़े पेड़ सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि रूट प्रेशर तो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही पानी को धकेल सकता है। तो रूट प्रेशर का क्या इंपॉर्टेंस है? रूट प्रेशर का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पानी को बनाए रखता है रूट में, है ना, रूट प्रेशर से पानी आपका रूट में बना रहता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। थोड़ी मदद तो कर रहा है रूट प्रेशर बड़े बड़े पेड़ों में, क्या रूट में पानी को बनाए रखता है, बाकी काम तो ट्रांसपिरेशन पुल कर लेता है। छोटे पेड़ों में, दैट इज हर्ब्स में, अकेला रूट प्रेशर काफी है पानी को धकेलने में, तो ये पुल कर रहा है वो पुश कर रहा है, बस दोनों मिलकर पानी पहुंचा रहे हैं। आ गया समझ में? क्लियर है ना? तो ये था ट्रांसपिरेशन पुल कैसे काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन पुल के साथ एक पॉइंट और रह गया है, ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस, ट्रांसपिरेशन का फंक्शन बताओ। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी में लिखा है कि ट्रांसपिरेशन दो काम करता है, एक काम तो यही कर रहा है वाटर को एब्जॉर्ब करने में और अपवर्ड मूवमेंट में, मतलब ट्रांसपिरेशन पुल में एक फंक्शन तो यही हो गया ना कि ट्रांसपिरेशन के वजह से तो ट्रांसपिरेशन पुल हो रही है, एक फंक्शन तो ये रहा, दूसरा फंक्शन कौन बताएगा? ट्रांसपिरेशन क्या करता है और इसके अलावा जो पसीना हमारे साथ करता है, ठंडा कर देता है हमें, तो वही चीज प्लांट में कर रहा है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। ठीक है, 3 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर प्लांट का कम हो जाता है ट्रांसपिरेशन के वजह से, देखो है ना, तो नोट कर लेना, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नोट कर लो, फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, नंबर 1, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, लिखा हुआ है, ये रहा ये रहा, द ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन इट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। ये रहा पहला फंक्शन। दूसरा इसी के नीचे दिया हुआ है, टेम्परेचर रेगुलेशन। ठीक है, पेज नंबर 109 डायग्राम के साइड में ही दिया हुआ है। तो अपवर्ड एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और दूसरा है टेम्परेचर रेगुलेशन। नोट कर लो, पहला फंक्शन है, लिखो, ट्रांसपिरेशन का एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स, सॉरी फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, और दूसरा है टेम्परेचर रेगुलेशन। ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। तो वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। फूड एंड अदर सब्सटेंसेस,
है, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अच्छा, अदर सब्सटेंस में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होगा? एक तो फूड हो गया, अदर सब्सटेंस में अमीनो एसिड एंड हॉर्मोन्स, लिख लो, अमीनो एसिड एंड हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये, एनसीईआरटी में अमीनो एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, हॉर्मोन्स मैंने ऐड किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो अदर सब्सटेंस में अमीनो एसिड हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, अदर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, तो इधर ध्यान दो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कौन लेके जाएगा? फ्लोयम, फ्लोयम में कौन है? फ्लोयम में कौन है? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोयम है, फ्लोयम में मेन है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन, वहां पे ट्रैकेड एंड वेसल थे, वैसे यहाँ पे सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल है। डायरेक्शन क्या होगी? बाई डायरेक्शनल, नीचे भी ऊपर भी, नाइन्थ में ही पढ़ा था, बाई डायरेक्शनल, तो मूवमेंट कैसी होगी? बाई डायरेक्शनल, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये तो इंट्रोडक्शन था, फ्लोयम मेन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल बाई डायरेक्शनल, मूवमेंट होती है बाई डायरेक्शनल, ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं, अब कैसा होता है ट्रांसपोर्टेशन फूड का, चलो देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, ये भी सिंपल है वैसे तो। देखो प्लांट्स में बनता क्या है, कौन सा खाना फॉर्म क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस में बना, ये स्टोर क्या होता है, स्टोर अभी तो बताया था किसी ने, स्टार्च, तो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में, ये तो तीनों ही अलग अलग है, बनता ग्लूकोज है, जाता सुक्रोज है, और स्टोर होता है स्टार्च, तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, डाइजेशन में मैंने बताया था ना सुक्रोज टूट के क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, है ना, तो ये दो शुगर से मिलकर बना हुआ है, डाइसैकेराइड है ये, तीनों ही अलग अलग फॉर्म है लेकिन है तीनों कार्बोहाइड्रेट के रूप, है ना, तीनों कार्बोहाइड्रेट के ही रूप है, फॉर्म्स हैं, हमें किसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, सुक्रोज का, तो लेके चलते हैं सुक्रोज को, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, बना ग्लूकोज, स्टोर हुआ स्टार्च, गया सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो, एमसीक्यू में आ जाता है ये, तो सुक्रोज को लेके जाना है हमें, ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज को, ठीक है, चलो देखो याद रखना, ये तो भूलना नहीं है, सुक्रोज। अब देखो तो ये है आपका सीव ट्यूब और ये है इसकी सीव प्लेट, ठीक है, ये पोर होते हैं, ये सीव प्लेट होती है, छन्नी की तरह काम करती है, इसके साथ क्या होता है, कंपेनियन सेल, अब ये कंपेनियन सेल क्यों है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंपेनियन सेल में ही होता है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस, यही इसकी पहचान है, ठीक है, क्लियर, इधर भी एक बना देता हूं ऊपर, नीचे भी एक, हर सीव ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन का मतलब भी दोस्त है ना, साथी है उसका, उसके साथ ही मिलेगा आपको, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, रूट, मान के चलो ये क्या है, रूट, ठीक है, क्लियर। अच्छा प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन कौन से होते हैं, और रूट, फ्रूट, सीड, नोट कर लो, पहले ये कर लो फिर आगे चलते, स्टोरेज
स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स दिया हुआ एनसीईआरटी में, रूट, फ्रूट, सीड एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, लीफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लीफ, लीफ में भी स्टोर होता है। लिखो स्टोरेज ऑर्गन्स इन प्लांट, रूट, फ्रूट, सीड एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, एनसीईआरटी की लाइन है, इसी लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, याद रखना ये आया था बोर्ड में एग्जाम, ठीक है ना, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट्स, रूट, फ्रूट, सीड एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, नोट कर लो, रूट, फ्रूट, सीड, याद रखने में भी आसानी है, रूट, फ्रूट, सीड, नोट कर लिया, एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, जैसे नया पत्ता आया, नया बड़ आया, नई कोपले आई है, ठीक है, ग्रोइंग ऑर्गन्स, तो रूट, फ्रूट, सीड एंड ग्रोइंग ऑर्गन्स, इनमें स्टोर हो सकता है। तो देखो प्लांट में हर एक पार्ट स्टोरेज का काम कर सकता है। शुगर केन में स्टोरेज ऑर्गन क्या है? स्टेम। पोटैटो में? पोटैटो में स्टेम। पोटैटो स्टेम में, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। ओनियन, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम। अदरक, लहसुन, जिंजर, टर्मरिक, ये सब स्टेम में, ये रूट नहीं है, है तो जमीन के अंदर लेकिन मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम में, ये रिप्रोडक्शन में पड़ेंगे, ठीक है, ये रूट, इनको रूट समझने की गलती मत करना। हर चीज जो जमीन के अंदर है वो रूट नहीं होती है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसीलिए, ठीक है। स्वीट पोटैटो रूट है, कैरेट रूट है ना, ये तो रूट है ना, क्लियर। तो पोटैटो, ओनियन, जिंजर, टर्मरिक, ये सब क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स, 7th क्लास में दिया हुआ ये तो। चले आगे, क्लियर, तो स्टोरेज ऑर्गन भी पता चल गया। अब स्टार्ट करते हैं, बना, अच्छा यहाँ पे जाइलम चल रहा है साथ साथ में, यहाँ क्या चल रहा है? जाइलम फ्लोएम तो साथ साथ चलते हैं, ठीक है, ये लीफ का एरिया है, ये पूरा लीफ के अंदर का ही है, ठीक है। अब लीफ में बना क्या, किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ये मैंने सुक्रोज दिखा दिए कुछ, ठीक है, कुछ सुक्रोज मैंने दिखा दिया इस तरह से, यहाँ तक समझ में आ गया। ग्लूकोज बना, सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि ग्लूकोज रिएक्टिव होता है, रिड्यूसिंग होता है, इसलिए वो सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सुक्रोज आपका लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना, और नॉन रिएक्टिव होने की वजह से ये सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए सॉल्युबल हो जाता है अच्छे से। अब क्या होगा, ये सुक्रोज जाएगा पहले कहाँ पे, कंपेनियन सेल के अंदर, कहाँ जाएगा, फिर कंपेनियन सेल से कहाँ जाएगा, सीव ट्यूब के अंदर, ये पहुंचा दिया मैंने सुक्रोज, देखो, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुक्रोज पहले कहाँ गया, कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में, अच्छा कंपेनियन सेल के अंदर जब गया तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सुक्रोज को कंपेनियन सेल में चढ़ा रहे हैं, जैसे सामान को गाड़ी में चढ़ाते हैं, है ना, ट्रक में चढ़ाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लोडिंग, लोड कर रहे हैं ना सामान, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे लोडिंग, क्या बोलेंगे, लोडिंग प्रोसेस। और मुझे एक बात बताओ, जब सामान को ट्रक में चढ़ाते हैं तो क्या एनर्जी लगती है कि नहीं लगती, चाहे हम मजदूर चढ़ाए या कोई मशीन चलाए, है ना, या चढ़ाए, तो एनर्जी तो खर्च होती है, तो इसका मतलब लोडिंग कैसी प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है ना, एटीपी खर्च होगी, एक्टिव प्रोसेस है, सेल एनर्जी को खर्च करेगा और सुक्रोज को कंपेनियन सेल में चढ़ा देगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग, आ गया समझ में, और फिर सी ट्यूब को दे देगा, क्लियर, यहां तक तो आ गया समझ में। अब क्या होगा, देखो अब क्योंकि अंदर सुक्रोज ऐड होने लग रहे हैं, सुक्रोज अंदर आने लग रहे हैं, अब खुद ही सोचो यहां पर हाइपोटोनिक कंडीशन क्रिएट होगा कि हाइपरटोनिक, 9th क्लास, हाइपर की हाइपो, हाइपर हमने पढ़ा है ना, जिसमें सोल्यूट ज्यादा हो और पानी कम हो, ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। तो देखो सुक्रोज ज्यादा है, पानी कम है, इसका मतलब हाइपरटोनिक, तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी डेवलप हो गई, हाइपरटोनिक, तो यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप हो गई। तो जाइलम में कौन सी कंडीशन डेवलप होगी, हाइपोटोनिक, कौन सी, हाइपोटोनिक, मतलब यहाँ पानी ज्यादा और यहाँ पानी, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, हाइपो से हाइपर, हाई से लो, तो ये देखो पानी जाना शुरू हो गया जाइलम से निकलकर सीव ट्यूब के अंदर, देखो सुक्रोज के अंदर आती,
इस सेल में कंडीशन हाइपोटोनिक डेवलप हो जाएगी, जाइलम में हाइपोटोनिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। हाइपो मतलब पानी ज्यादा, हाइपर मतलब पानी कम, बस। तो हाई से लो, ऑस्मोसिस, पानी अपने आप जाना शुरू हो जाएगा। आगे समझ में? अब जब पानी इसमें जाना शुरू हो जाएगा तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने लगेगा। और यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, यहाँ पे कैसा है? तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ये देखो। और पानी में क्या डिजोल्व है? सुक्रोज। तो गया सुक्रोज का, होने लगा ट्रांसपोर्टेशन शुरू, देखो, है ना। सुक्रोज सॉल्युबल है, वाटर के साथ जा रहा है, देखो सॉल्युबल फॉर्म में जा रहा है सुक्रोज, सॉलिड फॉर्म में थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्लियर हो गया ना शुरू? ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया पानी के अंदर आने की वजह से, बाकी सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। तो हाई से लो, सॉल्युबल फॉर्म में सुक्रोज जाना शुरू हो गया। तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज का, देखो। ऐसे करते करते कहां पे आ गया? स्टोरेज ऑर्गन में आ गया, फॉर एग्जाम्पल रूट आ गया, ठीक है। अब सुक्रोज यहां से जब यहां जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्टार्च सॉल्युबल नहीं होता। अब स्टार्च सॉल्युबल नहीं है, सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा रूट में जाती। अब एक बात बताओ, यहां से सुक्रोज निकल गया, स्टार्च में कन्वर्ट हो गया रूट में, तो यहां पानी का प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई की लो? सुक्रोज निकल गया तो पानी का प्रेशर हाई हो जाएगा ना, मतलब वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, क्योंकि सुक्रोज तो निकल गया। अब खुद ही सोचो ना, जब यहां पे सुक्रोज आया था तो पानी लो हो गया था, अब सुक्रोज चले गया तो पानी हाई हो गया, तो यहां क्या हो गया? पानी लो, तो पानी वापिस जहां से आया था वहीं पे चला गया। क्लियर? आगे समझ में? फिर से एक बार और समझा रहा हूं। ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज लोडिंग प्रोसेस के थ्रू कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब में गया, एटीपी खर्च होगी, हाइपोटोनिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जाइलम में हाइपोटोनिक, दैट इज हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, हाई से लो पानी जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, बाकी सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, हाई से लो जाएगा, ऐसे करते करते रूट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब रूट में सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा, जाइलम में लो हो जाएगा, पानी वापस जाइलम में चला जाएगा जहां से आया था। अच्छा, यहां पे क्या हुआ? सुक्रोज रूट में चला गया, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब कौन सी प्रोसेस है ये? अनलोडिंग। अब सामान को उतारेंगे नहीं क्या? अरे सामान को चढ़ाया था गोडाउन के पास, तो दुकान के पास क्या करेंगे? उतारेंगे। अनलोडिंग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अनलोडिंग। तो क्या वहां पे मजदूर नहीं लगेंगे, मतलब एनर्जी खर्च होगी, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अनलोडिंग। और यहां पर भी एटीपी क्या लगेगी? खर्च होगी। तो देखो, सुक्रोज चढ़ाते टाइम भी एटीपी, सुक्रोज को उतारते टाइम भी एटीपी। तो फ्लोएम मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एक खर्चीला प्रोसेस है ये। वाटर मिनरल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ एक्टिव एब्जॉर्प्शन में हुआ था, मिनरल आयन्स के एटीपी जो खर्च हुई थी, बाकी तो सारी फ्री थी वहां पे। एनसीईआरटी लिखता है अनलाइक जाइलम फ्लोएम एनर्जी प्रोसेस है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। अनलाइक जाइलम फ्लोएम एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी खर्च होती है वहां पे, लोडिंग में भी अनलोडिंग में भी। आ गया समझ में? क्लियर? ठीक है। खाना हमेशा आपका, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, आपका फूड मटेरियल का सोर्स से सिंक होता है, कहां से कहां होता है? सोर्स टू सिंक जाएगा। अब सोर्स वो चीज, सोर्स वो जगह है जहां पे खाना बनता है, जहां पे खाना प्लेंटी में होता है। तो सोर्स जैसे लीफ सोर्स है, क्योंकि लीफ में तो खाना बनता है, और सिंक क्या होगा? रूट, स्टोरेज ऑर्गन जैसे कि रूट। तो सोर्स से सिंक जाता है, सोर्स से सिंक आपके सामने गया, देखो, है ना। सोर्स से सिंक, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा सोर्स से सिंक होता है। सोर्स वो होता है जहां बनता है, सिंक वो होता है जहां पे जरूरत होती है या जहां पे स्टोरेज होता है, उसको सिंक कहते हैं। क्या प्लांट में सोर्स और सिंक फिक्स्ड होते हैं या ये चेंज हो जाते हैं सीजन के अकॉर्डिंग? बताओ, क्या सोर्स सिंक, सिंक और सोर्स चेंज हो सकते हैं? है ना, हो सकते हैं। स्प्रिंग टाइम में, स्प्रिंग टाइम में क्या होता है, या पतझड़ के टाइम पे आपने देखा होगा जब पत्ते सारे झड़ जाते हैं,
जब पत्ते झड़ जाते हैं तो क्या प्लांट मर जाता है? नहीं मरता। तो जो स्टोरेज ऑर्गन था वो क्या बन जाता है? सोर्स। और जो नए बर्ड्स आते हैं वो क्या बन जाते हैं? सिंग। देखो लास्ट लाइन क्या कहती है, स्प्रिंग। पढ़ो जोर से, कोई एक क्या लिखा है? इन स्प्रिंग शुगर, हाँ, स्टोर्ड इन स्टेम, क्या लिखा है? देखो तो जो सोर्स था वो सिंक बन गया, और जो सिंक था वो सोर्स बन गया। तो फिक्स नहीं होते ये प्लांट में, ये भी पता चल गया आपको। इस लाइन को भी लिख लेना, अंडरलाइन कर लो, स्प्रिंग टाइम में। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, सोर्स और सिंक फिक्स नहीं होते, ये सीजन के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, जैसे कि स्प्रिंग में। तो ये पैराग्राफ आप ये नोट कर सकते हो, ये वाली पॉइंट। ठीक है, तो बचा हमारा एक्सक्रीशन। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक आपका टेस्ट में आएगा, एक्सक्रीशन छोड़ के। ठीक है,